अम्बेडकर नगर के बुनकर नगरी टांडा के मुसवान निवासी तौफीक, जो कि दोनों पैरों से दिव्यांग है, तौफीक को भीख में मिले चंद पैसों से ज़्यादा बेहतर मेहनत से कमाई हुई दो वक्त की रोटी में अच्छी लगती है। तौफीक अपनी ट्राईसाइकिल में बच्चों को लुभाने वाले सामान को बेचकर दो वक्त की रोटी का जुगाड़ करते हैं। तौफीक का कहना है कि दो वक्त की रोटी का पैसा कमाने के लिए उसे दिन भर मेहनत करनी पड़ती है। चंद पैसे से खरीदे गए सामान को बेचकर 20 रुपये मुनाफा कमाने में कई घंटे बीत जाते हैं। 20 रुपये में उसे दो रोटी मिल जाती है। कहते हैं कि वो खाने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए खाते हैं। इस कहावत का जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि दो रोटी से किसी का पेट नहीं भरता। बस इसलिए एबीएन समाचार ऐसे नायक को सलाम करता है। टांडा से एबीएन समाचार के लिए मोहम्मद यूसुफ की रिपोर्ट। भैया ना पैसा आता है ना पेंशन वाला कुछ बनता है। जहाँ जाओ कोई कहते वकील वकील कहते या कहीं कोनो अफसर कहते।